हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को न्यू ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करूंगी जो कि डेली मेकअप है। तो जब न्यू ब्राइडल होती हैं तो डेली मेकअप में भी थोड़ा हैवी मेकअप होता है, पर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सूट में आप लोग को मेकअप दिखाऊंगी। आप यहाँ पर साड़ी, सूट, ड्रेस, आप जो भी मतलब उसको वेयर कर सकते हैं, पर इसमें मैं ड्रेस पहनकर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चूड़ा पहनने का एक आसान तरीका बता रही हूँ। जैसे अगर आपको चूड़ा जाने में आसानी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से जाता है, तो आप इस तरीके से इस पॉलीथीन के हेल्प से बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। इससे आपके हैंड में कोई भी खरोच भी नहीं आएगा, कोई भी आपको चोट भी नहीं लगेगी। कभी कभी क्या होता है, चूड़े का जो नुकीलापन होता है हमारी स्किन को डैमेज कर देता है, थोड़ा छिल सा जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पहनेंगे तो बहुत ही आसानी से आप पहन लोगे। तो चलिए मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने टोनर अप्लाई किया है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट है, ये ना कि कोई ऐसा मेकअप प्रोडक्ट है। तो मैंने पहले टोनर अप्लाई कर लिया, उसके बाद ये अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है इनसाइड का प्राइमर। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, आपने नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ऑप्शन भी बताती रहूँगी कि आप कम सामान में भी मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये है बीबी क्रीम है, जो कि मैंने परचेस किया था ऑनलाइन। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से कवरेज दे देता है। तो मैं इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर ले रही हूँ। आपके पास जो भी आपके पास हो, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन आप लगाना पसंद करते हो तो उसको भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप फेयरनेस क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपको करना है कंसलिनर यूज। तो फ्रेंड्स, कंसलिनर अक्सर आई के पास, सभी के आईज़ के पास थोड़ा डार्क होती है वहाँ की स्किन, तो उसको कवरेज देने के लिए आप कंसीलर का यूज़ ज़रूर करें। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे हैं, तो भी आप ये कंसीलर का यूज़ करें। और उसके बाद हमने ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से। और ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपने पहले से तैयार करके नहीं रखा है, तो उस पर थोड़ा सा आप टोनर स्प्रे करके फिर आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपना आईज मेकअप करूंगी। आईब्रो को हमने फिल कर लिया है और इस तरीके से फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले आई शेडो पैलेट ली हूं। और आई शेडो पैलेट से मैं ब्रश से मेकअप नहीं कर रही हूं, आई मेकअप मैं फिंगर की हेल्प से कर रही हूं। बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसमें मैंने हैक्स वीडियो भी बनाई थी, तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप हैंड से आई मेकअप करते हो तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने हैंड से आई शेडो का मेकअप किया है। पहले आप जो भी कलर आपको चूज़ करना है उसे अपने फिंगर से आप लगाते जाइए, और उस पहले लगाने के बाद दोनों आँखों में, फिर उसके बाद आप दूसरे फिंगर से है या अपनी फिंगर को साफ करके फिर ब्लेंड कर लीजिए। आप देखेंगे इतना अच्छे से ब्लेंड होगा, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं लगा रहेगा। और बिल्कुल लाइटली मेकअप है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मैंने आई मेकअप हैवी नहीं किया है, और बहुत हैवी मेकअप मुझे पसंद नहीं है आई मेकअप, इसलिए मैंने लाइट सिमरी कलर का यूज़ किया है आई शेडो पैलेट से। उसके बाद आई लाइनर लगा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा आई मेकअप और बहुत ही सिंपल सा। तो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हो या आपके घर ही कोई पार्टी वगैरह है, तो भी आप इजीली अपने घर पर अपने ही हाथों से मेकअप कर सकते हो। तो उसके बाद आज मैं फ्रेंड्स, लिप लाइनर अक्सर मैं लिपस्टिक से मैच करता ही हुआ ही मैं लगाती हूँ, पर आज थोड़ा सा डिफरेंट लगा रही हूँ। ये है ब्लैक आई लाइनर और मैंने इससे ये हैक्स भी मैंने वीडियो में अपलोड किया था। और ये आईलाइनर लिप लाइनर जो है, ये आईब्रो पेंसिल से हमने बनाया है, ना कि मैंने लिप लाइनर से बनाया है। और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा शेड मिल गया था। लिपस्टिक मैंने रेड कलर की लगाई थी और ब्लैक लाइनर लगाया था, बिल्कुल लाइटली ब्लैक लगाया था, बिल्कुल डार्क नहीं और बिल्कुल पतला सा। और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से हमने सेट कर लिया। मैंने ब्लशर वगैरह का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद ये ज्वेलरी हमने पहन ली है। तो आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस तरीके के मेकअप से, तो आप भी ऐसा एक बार ट्राई कीजिएगा।
आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप होगा। तो मेकअप करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रेंड्स, आप कोई भी मेकअप लगाने से पहले प्राइमर ज़रूर यूज करें। प्राइमर नहीं है तो जेल का यूज़ कीजिए, एलोवेरा जेल। इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और मेकअप ब्लैक नहीं पड़ेगा। तो आई होप मेरा ये टिप्स भी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।